इस ख्याल से कहती हूँ, डॉक्टर कुछ कहते तुम सोचो नहीं तुमको क्या दवाई चाहिए, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। तुम सिर्फ प्यार से टाइम अनुसार दवाई लेना या इंजेक्शन लगाना, तो सिर्फ हाथ ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसे कर दो, मैं लगा दूंगा। सिर्फ बुद्धि की, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दें, बुद्धि की जो स्थिरता है ना, वो पुरुषार्थी माना मेहनती लाइफ नहीं है, फल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। अभी संकल्प शुद्ध करो न, शांत रहो न, तो खुशी मिल गई, शक्ति आ गई। ये जो विधि है ना अच्छी तरह से पुरुषार्थ की, लंबी बात नहीं है। एक बारी मुझे डॉक्टर ने कहा तुमको कम से कम इस बात के लिए इंजेक्शन एक लगा, मैं कह डॉक्टर गोली से काम चले तो इंजेक्शन काहे को लगाते हो, तभी लगता था ना, सुई नहीं लगाएंगे। कहा बहन 12 गोली खाएंगी तो भी दर्द नहीं जाएगा, इसलिए लगाऊंगा। अच्छा लगा दो, 12 गोली जो खाऊं तो भी न जाए दर्द, अगर एक इंजेक्शन से जाए तो डॉक्टर जानता है, भगवान जानता है, बच्चे को कुछ नहीं मेहनत करनी है, बच्चा तो ऐसे कर लो। वो जानता है समय अनुसार, वो जानता है हर एक बच्चे को, जानता है धर्म जाति रंग वाले को, जानता है बच्चा है ना, बच्चे को माँ जानती है, बाप जानता है। कोई भी है, हैवान के भी बच्चे को माँ जानती है और कोई नहीं जानता है, इंसान के बच्चे को भी, कोई भी बच्चा होगा माँ जानती है, डॉक्टर नहीं जानते इसको दर्द कहा, रोता क्यों है, चिल्लाता क्यों है, भगवान जानता है मेरे बच्चे को क्या हाल हुआ है। पर जो सिर्फ कहता है ना उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाओ तो असर नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ में बुद्धि अपनी चलाते हैं बहुत है।